शुक्रवार को कानपुर में एक दिल दिला देने वाली घटना हुई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा का नाम भी शामिल है। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है और हर कोई शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम कर रहा है। अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी मामले में न्याय की मांग की है। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर कानपुर घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने शहीदों को नमन किया है और दोषियों को मार देने की बात कही है। कपिल ट्वीट करते हैं, मैं रेस्ट इन पीस नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है इन शहीदों को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आरोपियों को पकड़ मार न दिया जाए। यूपी पुलिस को ताकत मिले कि वो दोषियों को पकड़ मार सके। अब जो गुस्सा इस समय कपिल शर्मा के मन में है वही गुस्सा देश की रगों में भी दौड़ रहा है। हर कोई पुलिस के पराक्रम को सलाम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई की मांग। इस घटना के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई है और उस पर 50,000 का इनाम भी लगा दिया गया है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इंडिया टर्निंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।